वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लोजिन प्लस टैबलेट के बारे में। फ्लोजिन प्लस टैबलेट की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपके शरीर में दर्द, बुखार और सूजन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्लोजिन प्लस टैबलेट एक NSAID ड्रग से संबंधित है और इसमें कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल 325 mg, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम 50 mg, सेरियोपेप्टाडोज 15 mg होता है और इस टैबलेट को मेनकाइंड फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस टैबलेट के उपयोग के बारे में। इस टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से सभी प्रकार के दर्द, सूजन और हल्के बुखार के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मांसपेशियों का दर्द, पीठ का दर्द, जोड़ों का दर्द, कान का दर्द, दांत दर्द और सभी प्रकार के शरीर दर्द और साथ में सूजन जैसी समस्याओं में इसका यूज किया जाता है। अगर आपको शरीर दर्द, सूजन और बुखार जैसी समस्याएं हैं और इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस टैबलेट के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट नज़र आते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी, पेट में दर्द, अपच, सीने में जलन, दस्त जैसी समस्याएं नज़र आ सकती हैं। अगर ये समस्याएं बढ़ जाएं और खत्म ना हों तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए अब जान लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। इस टैबलेट की डोज वैसे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें और एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक टैबलेट दिन में एक बार यूज कर सकता है। अगर उसे परेशानी अधिक है तो वह एक दिन में दो बार खाना खाने के बाद इस टैबलेट को यूज कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं इस टैबलेट को यूज करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी या स्तनपान करा रही लेडी इस टैबलेट का यूज ना करे, अगर यूज करना चाहती है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले ले और इस टैबलेट का यूज लंबे समय या अधिक डोज में यूज ना करें। इससे आपको किडनी या लीवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और इस टैबलेट का यूज अल्कोहल लेते समय ना करें। आइए अब जान लेते हैं इस टैबलेट की MRP के बारे में। इस टैबलेट की MRP है 10 टैबलेट आपको 97 रुपए में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगी। आशा करता हूँ फ्लोजिन प्लस टैबलेट की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।